हेलो दोस्तों, मैं हर्षदा और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जब भी आप अपना यूट्यूब स्क्रॉल करते होंगे, आपको ये वर्ड कॉमनली सुनाई ज़रूर देता होगा, सर्विक्स। बहुत सारे लोग इसे गर्भाशय का मुंह कह सकते हैं, बच्चेदानी का मुंह कह सकते हैं। ये सर्विक्स का क्या मतलब होता है? ऐसे आपको लग रहा होगा कि बच्चेदानी का मुँह उसने बोल दिया तो ये इसका मीनिंग है, बट डिटेल मीनिंग क्या होती है वो समझाने की कोशिश करूंगी। और आप मेरे अदर वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारे जितने भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे सर के ऊपर से भागते हैं, वो सब कुछ मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ड्यूरेशन भी कम रखती हूँ, 3 से 5 मिनट की वीडियोज़ रहती हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपको वो बात समझ में आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे अदर वीडियोज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताती हूँ और ये कॉन्फिडेंस मुझे इसीलिए आया है क्योंकि आपके खुद के इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक आते हैं मुझे इस टॉपिक को लेके, कि आपके वीडियोस काफ़ी शॉर्ट, स्पेसिफिक और अच्छे से समझ में आने वाले होते हैं। इसलिए मैं ये बात आपके भी सामने पब्लिकली ये भी बात कह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे अदर वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज बात कर लेते हैं कि ये सर्विक्स क्या होती है। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, आप लोगों को पता है कि 3 से 4 इंच के ऊपर जैसे ही आप अपना फिंगर इंसर्ट करते हैं तो जहाँ तक वो इंसर्ट होता है, उसके बाद आपने महसूस किया होगा कभी भी कि वहाँ पर एक हार्ड जैसा कुछ पार्ट आपको महसूस होता है। ये जो हार्ड पार्ट कभी महसूस होता है, कभी सॉफ्ट पार्ट महसूस होता है, ये होती है आपकी सर्विक्स, यानी कि आपके गर्भाशय का मुँह, बच्चेदानी का मुँह। उसके बाद से ये यूटेरस इसके ऊपर जाता है, मतलब यूटेरस इसके बाद से स्टार्ट होता है। तो ये जो मुंह होती है वो डिपेंड करती है कि उस समय वो सॉफ्ट कब है, हार्ड कब है। आपको कभी भी फील हो सकती है, लेकिन ये सॉफ्ट कब फील होती है, ये हार्ड कब फील होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ ब्रीफ। देखिए, जब भी अगर आप इस तरह का, जैसे इसके ऊपर मैंने सर्विक्स एग्जामिनेशन के ऊपर भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आई बटन पर, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि सारे वीडियोस इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये सॉफ्ट कब रहता है, जब भी आपका ओवुलेशन हो रहा होता है, मे बी ओवुलेशन का टाइम चल रहा होता है, तो ये सर्विक्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा आपको लूज लगेगी, सॉफ्ट लगेगी। लेकिन अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है उस समय ये हार्ड रहती है। इसलिए हार्ड रहती है क्योंकि किसी तरह का म्यूकस नहीं निकल रहा होता है, लेकिन ओवुलेशन अब होगा तो एग के साथ बहुत सारे म्यूकस भी निकलते हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो जब भी आप अगर इंसर्ट करके फिंगर देखते हैं उस समय आपको एक पार्ट महसूस होगा जो कि एंड पार्ट होता है, वही आपकी सर्विक्स होती है। और ये सर्विक्स भी बहुत सारे रोल प्ले करता है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में, जैसे कि इंटरनल ओएस वगैरह क्या होता है वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको वो कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट पिक्चर ज़रूर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो सर्विक्स होती है, अगर आप जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तो इस सर्विक्स का मुंह क्लोज रहता है, जो इंटरनल ओएस होती है वो क्लोज रहती है। लेकिन जैसे 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 आप अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं, जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, सर्विक्स का मुंह थोड़ा थोड़ा सा खुलने लगता है, उस वो एक्सपैंड होने लगता है। और जब तक ये 10 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता, ये उसके बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी शुरू होती है। इसका 10 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होना ज़रूरी है, उसके बाद ही नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सर्विक्स थ्रू आउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्टिंग से लेके आपकी प्रेगनेंसी तक ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसके क्या महत्व हैं आपको मैंने बता दिया। अगर कुछ और भी डाउट्स लगेंगे, कुछ आपको लगेगा कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट करिएगा तो मुझे पता चल जाएगी कि हाँ, ये वीडियोस के इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी काम की लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ज़रूर देखिए अदर वीडियोस भी। अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।